हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू किसू किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज मनचाओ सूप की रेसिपी। वैसे तो यह एक चाइनीज डिश है, लेकिन यह काफ़ी टेस्टी होता है और सर्दियों में सूप पीने का तो अपना एक अलग ही मज़ा है। आज मैंने इसको बनाने के लिए उन्हीं इन्ग्रीडियंट्स का यूज़ किया है जो हम सभी के घरों में ईजिली अवेलेबल होते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सूप बनाने के लिए हमने यहाँ लिया एक कटी हुई ग्रीन चिल्ली, थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर, ग्रेटेड गार्लिक, फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप्ड बीन्स, कॉलीफ्लावर, आप चाहें तो इसके जगह कैबेज यानी कि पत्ते गोभी का भी यूज कर सकते हैं, चॉप्ड ऑनियन एंड ग्रेटेड कैरेट यानी कि गाजर। आप सूप में सब्जी को जितना हो सके उतना बारीक काटें या फिर चाहें तो सब्जियों को ग्रेट कर लें। यहाँ हमने लिया है बॉयल किया हुआ नूडल्स। नूडल्स आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद है। नूडल्स को आप हाफ कुक करें, इसे ओवर कुक नहीं करें। हमने नूडल्स को बस 2 से 3 मिनट के लिए ही पानी में बॉयल किया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब में कॉर्नफ्लोर और इसे मिक्स करेंगे। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ हमने एक पैन में ऑयल को हीट होने के लिए रख दिया था। ऑयल को आप हमेशा मीडियम हीट रखें, इसे ज़्यादा हाई हीट पे ना गरम करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे नूडल्स और इसे क्रिस्प होने तक हम फ्राई करेंगे। जब आपको लगे कि एक साइड से इसका कलर चेंज हो रहा है तब आप इसको पलट दें ताकि ये दोनों तरफ से बहुत ही क्रिस्प हो। नूडल फ्राई हो चुका है, अब हम इसे पैन से बाहर कर लेंगे। यहाँ हमने सेम पैन में डाला हुआ है 2 टेबल स्पून ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड गार्लिक, जिंजर, चॉप्ड ऑनियन और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे सॉटे करेंगे। ऑनियन फ्राई हो चुका है, हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के वेजिटेबल्स, कैरेट, बीन्स, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम और इसे एक बार मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक ताकि वेजिटेबल्स जल्दी सॉफ्ट हो और इसे कवर करके हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हम लीड को हटा कर देखेंगे तो सब्जी जो है हल्का सॉफ्ट हो चुका है। एक बार हम इसे स्टर कर देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून के करीब में डार्क सोया सॉस, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा शुगर, यह ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट इससे सूप में खट्टे मीठे का टेस्ट आता है। और इन सबको हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास के करीब में पानी। और इसे मीडियम फ्लेम पे हम 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हम एक बोल में लेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे मिक्स करेंगे और इसको हम सूप में डालेंगे। इससे क्या होता है कि सूप में थिकनेस आता है। और इसे मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे और कुक करेंगे।
टोमेटो सूप जो है वो हमारा रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा बटर। आप चाहें तो बटर की जगह घी भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीफ। तो आप इसे बनाएं और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। हमने इसे यहाँ एक बोल में सर्व किया है, आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा फ्राई किया हुआ नूडल्स डाल रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।